हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल SF किचन। आज हम बनाएंगे गोश्त का अचार सिंपल और इजी तरीके से। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने आधा किलो मटन ले लिए, इसे अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक हमने पीस कर लिए। हमें ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखना है। एक कुकर ले लेंगे, इसमें सारा गोश्त हम डाल देंगे। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अभी इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे और एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अभी सारी चीज़ों को मिक्स करके हम कुकर का लीड लगा देंगे। इसे हमें 80% बॉईल करना है। चार सीटी हम ले लेंगे। अब हम गोश्त के अचार का मसाला बना लेंगे। एक पैन ले लेंगे, उसे अच्छा गरम कर लेंगे। उसमें हमने दो बड़े चम्मच अखा धनिया डाल दिए। अब उसमें हम एक बड़ा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच राय। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हमें एक मिनट के लिए भून लेना है। अभी इसमें हम 3-4 सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे। अब इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। मिर्ची को हमें जलाना नहीं है। अब मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। गैस का फ्लेम बंद करके ठंडा करके इसे हमें बारीक पीस लेना है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हमने 100 ग्राम जितना तेल गरम कर लिया। तेल जब गरम हो जाएगा तो उसमें हम आधा छोटा चम्मच राय और आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब उसमें हम 8-10 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल देंगे। अभी इसे भी हम तेल में फ्राई कर लेंगे। अब जो हमने गोश्त को बॉईल करके रखे थे वो तेल में डाल देंगे। इसे अभी अच्छे से हमें तेल में फ्राई कर लेना है। इसमें डाल देंगे 3-4 लाल मिर्ची टुकड़ा करके। अभी गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हमने जो अचार के लिए पाउडर पीसा था वो ऐड कर देंगे। हमने इसमें 3 बड़े चम्मच अचार का मसाला डाल दिया। अभी इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है। अभी सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ध्यान में रखना कि हमने गैस का फ्लेम बंद रखा है, इसे हमें ऐसा ही मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 नींबू का जूस डाल देंगे। खट्टा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। नींबू का जूस डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हमारा गोश्त का अचार बन के रेडी है। इसे आप 1 महीने के लिए अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।